दोस्तों दुनिया में 5 ओशंस हैं जो किसी न किसी जगह पर एक दूसरे से मिलते जरूर हैं, जैसे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन साउथ अमेरिका के केप ऑफ हॉर्न में आकर मिलते हैं। वहीं अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का मिलन अफ्रीका के केप अगुलस में होता है। लेकिन फिर भी इन जगहों पर ये ओशंस कभी भी कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, यानी आप आसानी से इन ओशंस के पानी के बीच का डिफरेंस पहचान सकते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल लैंड पर पाए जाने वाले रॉक्स और सी फ्लोर से इरोजन के जरिए ढेर सारा सॉल्ट ओशन में मिक्स होता रहता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे सॉल्ट्स शामिल हैं। इन सारे सॉल्ट्स की क्वांटिटी हर ओशन में अलग अलग होती है। इसके अलावा रिवर्स और डिफरेंट सोर्सेज से आने वाला फ्रेश वाटर भी ओशंस में आकर मिलता है, जो सॉल्ट लेवल्स को रिड्यूस करता है। सॉल्ट्स और फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स की डिफरेंट क्वांटिटीज की वजह से ओशंस की डेंसिटी अलग अलग होती है। ज्यादा सॉल्ट मतलब ज्यादा डेंसिटी और कम सॉल्ट मतलब कम डेंसिटी, और यही डेंसिटी डिफरेंस दो ओशंस को आपस में मिक्स होने से रोकता है।